नमस्कार, आप देख रही हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई इस खास वीडियो में। आप सभी सोचते होंगे कि हम घर में पार्किंग बनवा लें, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, इतनी सारी दुर्घटनाएँ हो रही हैं कि सब लोग सोचते हैं कि घर के अंदर ही अपना सेफली कार पार्किंग बनवाया जाए। तो वास्तु के हिसाब से ये सही है, गलत है, या फिर वास्तु क्या कहता है, इस सोच को लेकर चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है। वास्तु शास्त्र में घर में सभी चीजों को रखने के लिए उचित दिशा भी बताई गई है, और ऐसा माना जाता है कि घर के सामान को सही दिशा में नहीं रखने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वास्तु शास्त्र में कार पार्किंग के नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों को पालन करने से इंसान को जीवन में दुर्घटनाओं से बचाव होता है, साथ ही साथ समृद्धि और सफलता में बढ़ोतरी भी होती है। चलिए आपको बताते हैं शास्त्र, वास्तु शास्त्र के बारे में। दोस्तों, अगर आप कार को उत्तर पश्चिम दिशा में पार्क करते हैं तो इससे समृद्धि और सफलता में बढ़ोतरी होती है और धन का लाभ मिलता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में कार पार्किंग करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि ये दिशा राहु से संबंधित है। तो वही पश्चिम दिशा में कार पार्क करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये दिशा वरुण जल के देवता से जुड़ी मानी जाती है। वास्तु शास्त्र की माने तो अगर आप कार को गैरेज में पार्क करते हैं तो गैरेज के लिए पीला, सफेद और नीला रंग बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। वहीं कार को आपको सदैव घर के मेन गेट से दूर करना चाहिए। इसके अलावा कार पर कवर डालकर रखना चाहिए, समय समय पर कार की साफ सफाई करनी चाहिए, कार को गंदा नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए कार पार्किंग को लेकर काफी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनके पास कार है और वो कार पार्किंग को लेकर काफी परेशान रहते हैं और उनके साथ काफी दुर्घटनाएं होती हैं, कोई भी समस्या होती है वाहन से जुड़ी, तो अगर आप अपनी पार्किंग के नियमों में वास्तु शास्त्र के नियम का पालन करते हुए उसको पार्क करेंगे तो आपको काफी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी खास जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।